ये उस समय की बात है जब भारत पर कुछ काली शक्तियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पाप और जुर्म अपनी चरण सीमा पर थे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। और इस आतंकवाद की सरगना ढिंचक पूजा, जिसने कभी तो सेल्फी मैंने ले ली आज, कभी दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, कभी बापू दे दे थोड़ा कैश, कभी आफरीन फातिमा बेवफा है, और अब तो नाच नाच के पागल भी कर चुकी थी ये लोगों को। आम आदमी तड़प रहा था, ना कोई उम्मीद ना कोई आशा की किरण, बस क्रिंज ही क्रिंज और सिर्फ दुख। लेकिन तभी एक भलवान आया, वो जिसने ढिंचक पूजा को, उसकी काली शक्तियों को, उसके काले साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए इंसानियत के लिए सबको तबाह कर डाला, और ढिंचक पूजा का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और इसी के साथ क्रिंज की देवी ढिंचक पूजा का अंत हुआ। सभी में मानो एक खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। लेकिन ये जश्न मनाते भोले भाले मनुष्य कहां ही जानते थे कि ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि ढिंचक दीदी वापस आ चुकी हैं एक नए कैंसर के साथ। सुबह उठते हैं हम, ब्रश करते हैं हम, फिर खाते हैं हम, फिर जाते हैं हम। देवा शुक्र है तेरा देवा। एक सेकंड आया बप्पा। बप्पा महीनों से मेरे कान तरस गए थे बप्पा इस आवाज को सुनने के लिए। जब तक ढिंचक दीदी नहीं थी ना, मेरा जीवन अधूरा था। ढिंचक दीदी के वापस आने से मेरा जीवन फिर से पूर्ण हो गया है देवा। मेरे कान तरस गए थे, इतनी खुशी मुझे। अच्छा तुम बताओ, ढिंचक दीदी नहीं तो तुम्हें कहाँ सुनने को मिलेंगे ऐसे अवार्ड विनिंग लिरिक्स। पहले उठते हैं हम, फिर ब्रश करते हैं हम, फिर खाते हैं हम, फिर जाते हैं हम। चाय बनाते हैं हम, उसे पीते हैं हम, फिर नहाते हैं हम, प्यार होते हैं हम। बॉटल उठाते हैं हम, उसे खोलते हैं हम, पानी पीते हैं हम, ढक्कन बंद करते हैं हम, फोन उठाते हैं हम, पासपोर्ट भरते हैं हम, फोन मिलाते हैं हम, कुत्ते को गिराते हैं हम, गिरजा उसे उठाते हैं हम, माइक पे लगाते हैं हम। अब फैसला अनु मलिक के हाथ पे। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। आजाद सही है भाई, लिरिक्स लिरिकल क्वीन है भाई ढिंचक पूजा। इसने पूरी दिनचर्या जो है एक गाने में बता दिया, एक ही बीट पे कुछ भी बोली जा रही है। माउस उठाते हैं हम, क्लिक करते हैं। It was at this moment he knew he fucked up. ओ शिट, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई, शिट लग गए, मरवा दिया। मैं यहाँ पे ऐसा माउस बटन दबाते हैं हम कर रहा था, वो OBS स्टूडियो में स्टार्ट स्ट्रीमिंग वाला बटन दब गया और मैं यूट्यूब पे लाइव हो गया। अब एटलीस्ट नाउ यू नो व्हाई आई वाज लाइव ऑन यूट्यूब। गजब बेइज्जती है। ऑफिस जाते हैं हम, गाड़ी चलाते हैं हम। इसे देख के मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ये क्या है? रेडियो सुनते हैं हम, सेल्फी लेते हैं हम, पोस्ट करते हैं हम, रोस्ट करते हैं हम वापिस। एक सेकंड क्या कहेगा? पोस्ट करते हैं हम, रोस्ट करते हैं हम। तो करना, पोस्ट करते हैं हम, रोस्ट करते हैं हम, कुछ भी। तुमने किसका रोस्ट करा? ये गलत लिरिक्स मत लिखो। रोस्ट करते हैं हम, चल छुट्टी। ढिंचक दीदी आज तक आपने किसी का रोस्ट नहीं करा, आपका सिर्फ रोस्ट हुआ है। मैंने खुद कम से कम 15 वीडियोस बना रखी है आप पे। ढिंचक दीदी अगर आपने बोला है रोस्ट करते हैं हम, एंड आई नो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अब आपको एक्चुअली में रोस्ट करना पड़ेगा। मेरा रोस्ट मी ढिंचक दीदी, 36,000 लोग मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाओगे ना, वो मेरी करियर की हाईलाइट होगी। जस्ट इमेजिन ढिंचक दीदी अपने गाने में मेरा रोस्ट कर रही है। म्यूजिक से आंखों और कान से खून निकल रहा है। टीवी देखते हैं हम, बुक पढ़ते हैं हम, सो जाते हैं हम। हमें माफ करो, हमारे सुर ना तोड़ो, रहम करो, जाओ जाओ हमें छोड़ो। और एक काम करो, किसी और से नहीं, एटलीस्ट संगीत से मुंह मोड़ो, संगीत से मुंह मोड़ो।
वैसे कुछ भी कह लो, पूजा समझदार बहुत है। इसने ये गाना YouTube पे अपलोड करा, एक दिन उस पर 3 लाख व्यूज आए, ठीक है। अगले दिन इसने ये गाना फिर से अपलोड करा, एक ही गाना 2 बार, उस पर भी 3 लाख व्यूज आए, 3+3=6 डबल व्यूज। एनीवेज, तो पूजा के इस बहुत ही लिरिकली एक्सपर्ट इस गाने को डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो टट्टी है। हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे शख्स की तरफ जो इस गाने को सुनने के बाद बोलेंगे, If you think you are bad, I'm your dad. तो आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले मैंने आपको सुनाया था इंसानियत की हिस्ट्री का सबसे क्रिंजी गाना, पड़ पड़ा भाई। Yes, ladies and gentlemen, पड़ पड़ा वाले अंकल वापस आ चुके हैं एक नए टाइम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का। सनकी, मैं हूं सनकी, सनकी, हाँ हूँ मैं सनकी, सनकी 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 सनकी, मैं हूँ सनकी, सनकी 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 सनकी, मैं हूँ सनकी, करता हूँ मैं मन की सनकी, मैं हूँ सनकी, सनकी 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 सनकी, मैं हूँ सनकी, करता हूँ मैं मन की सनकी, हाँ हूँ मैं सनकी। अबे आगे भी बढ़, जब से गाना शुरू हुआ है संकी मैं हूँ संकी, लड़की को इधर से इधर घुमाया जा रहा है और 3 वर्ड लिटरली संकी मैं हूँ संकी। एक सेकंड, ये भी 2 हो गए। अच्छा मैं और हूँ को अलग अलग लूँ तो संकी मैं हूँ, बस ये 3 वर्ड की कितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के ये बंदा क्या लिरिक्स लिखे है, संकी मैं हूँ संकी, हूँ मैं संकी, संकी 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 संकी, क्या टोनी कक्कड़ से इंस्पिरेशन लिखा है, कुड़ी कपी के क्या के क्या के क्या, कुड़ी चॉकलेट है लेट है लेट है, तू चॉकलेट लेट लेट मेरी कपी के क्या के, एक वर्ड पकड़ लिया रिपीट करी जाओ। बाय द वे टोनी कक्कड़ से याद आया, अगर टोनी कक्कड़ पे आप लोगों को एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 5 लाइक ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन टोनी कक्कड़। संकी 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 मैं हूँ संकी, पहले ये फड़ 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 आ रहे थे, अब ये संकी संकी हो रखे है, लेकिन शक्ल फिर भी सेम है, वही दांत भार, आंखें बड़ी बड़ी, ओ ओ वैसी दरिंदा, खा जाऊंगा मैं लड़की को। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। सनकी, मेरा खौफ यहाँ पर मुझसे दुनिया है डरती, सनकी 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 मैं हूँ सनकी, सनकी 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 हूँ मैं सनकी, करता हूँ मैं मनकी सनकी, हूँ मैं सनकी, सनकी 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 मैं हूँ सनकी, करता हूँ मैं मनकी सनकी, सनकी 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 मैं हूँ सनकी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। अरे अंकल मैंने फटफट फटफट फटफड़ा वाले गाने के बाद ही मान लिया था आप संकी हो, इसके लिए पूरा गाना लिखने की थोड़ी देर थी, उस पे भी लिरिक्स ये लिखा है, संकी हूँ मैं संकी, करता हूँ मैं मनकी संकी संकी संकी, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, संकी 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 मैं हूँ संकी, करता हूँ मैं मनकी संकी, मैं हूँ संकी। ये देखो फड़फड़ा वाले अंकल, ये देखो एक्चुअली रुको, अपने घुटनों पे बैठ के हाथ जोड़ के आपको साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप गुरुजी है, आप भगवान है, अगर ढिंचक पूजा इज क्रिंज देन अंकल इज क्रिंज इनटू 100, क्रिंज इनटू 100 हो गया। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, ढिंचक पूजा और फड़फड़ा वाले अंकल कौन बेटर है, इन दोनों की बैटल में, इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा, कमेंट्स में बताना मेरे को, एंड इस वीडियो पे लाइक कर देना ताकि 5 लाइक पे हम टोनी कक्कड़ पे वीडियो बनाएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।